हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हो तो आपका ग्रेड पे स्केल, बेसिक पे और इसके अलावा कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें। यह 100% ऑथेंटिक डाटाओं के आधार पर बनाया हुआ है। बेसिक जानकारी, ग्रेड पे 4600, पे स्केल 9300 से लेकर 34800, लेवल 7, पे बैंड 2, बेसिक पे 44900 से लेकर 142400, अर्निंग बेसिक पे 44900, बेसिक पे 44900, इससे कम तो कभी भी नहीं होगा, बल्कि इसके अलावा और भी अलाउंस ऐड होकर आएंगे। जैसे डीए 50% यानी महंगाई बताएगा 22450, एचआर 30% 13470, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5400, डीए 2700। अब इन सभी को ऐड करने पर आपकी ग्रोथ सैलरी बनेगी 88920। अब आपकी ग्रोथ सैलरी से कुछ डिडक्शन होंगे, जैसे एनपीएस कटेगा, सीजीईजीआईएस के, सीजीएचएस के, एनपीएस के कटेंगे 6735। ये वो अमाउंट कटेगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक एनपीएस अकाउंट खोलेगी। तो बीए और बेसिक पे और डीए का 10% कटेगा और गवर्नमेंट अपनी तरफ से 14%, यानी टोटल 24% हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे। जब आप रिटायरमेंट होगे ना तो विद इंटरेस्ट के साथ रिटर्न हो जाएंगे। सीजीईजीएस के साइट, इंश्योरेंस के, सीजीएचएस, मेडिकल फैसिलिटी ताकि आपका इलाज हो सके, टोटल डिडक्शन कटेगा 7245। तो डिडक्शन 7245 कम करने पर नेट सैलरी मिलेगी जो आपके अकाउंट में आएगी 81675। नेट सैलरी देखकर ही मोटिवेशन मिला होगा कि हमें भी इस जॉब की तैयारी करनी चाहिए। हमारे लिए, हम किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले सैलरी के बारे में सोचते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करो कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।